हाय गाइस, मैंने अभी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चंस आ रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग. एंड आई कम्प्लीटली गेट इट कि अभी कितनी क्यूरोसिटी होती होगी और कितने मेंटल टेंशन में होते होंगे सबके, क्या प्रोसेस होगा क्या नहीं होगा. तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देते हैं. अच्छा, मैं ट्राई करूँगी हर एक टॉपिक को डिटेल्स में कवर करने का, लेकिन अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है तो मैं इसको पार्ट्स में अपलोड कर दूंगी. ओके, मेरा अभी रिसेंटली डीवी हुआ. फर्स्ट को हमारा रिजल्ट आया था, 1 जनवरी को हमारा रिजल्ट आया था और मेरा मेल आ गया था डीवी के लिए 6 जनवरी तक. ठीक है, 6 जनवरी तक मेरा आ गया था. और ना 16 से हमारे बैचेस में हुए थे. हर बैच में ऑलमोस्ट आपके 24 से लेके 26 जन एक एक बैच में रख रहे थे. वो लोग एक एक ग्रुप बना रहे थे. तो हमारा ऐसे 17 से स्टार्ट हो सॉरी 16 से स्टार्ट हो गया था. 16, 17, 18 जनवरी ऐसे करके था. ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि मेरा जब अभी मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल में बताती हूँ उसमें क्या था. हमारे मेल में मेंशन क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांगा हुआ था. वहाँ पे मेंशन क्या हुआ था, आपको अपना बर्थ प्रूफ लाना है, एज प्रूफ लाना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लाना है, मेडिकल दिया मेडिकल लाना था. मैं सब हर एक पॉइंट को एलाबोरेट करूँगी. मेडिकल लाना था, ये सब जनरल चीज़ें मांगी गई थी. तो ये सब लेकर हमें पहुँचना था. तो अभी इनके जेरोक्स थे और फोटोज़ थी. अब मैं एक एक करके प्रोसेस बताती हूँ. ठीक है, तो जैसे हम पहुँचे, हमारा 10 बजे से 10 AM हमारा रिपोर्टिंग था, हमारा 10 AM से. और एकदम 10 AM को ही उन्होंने घुसा लिया था. हेड ऑफिस में था, जो भी आपका अलॉट हुआ है उसके हेड ऑफिस में होगा. तो हमारा भी हेड ऑफिस में ही था. तो सब कुछ बहुत अच्छा था, उन्होंने अच्छे से बिठाया बिठाया. फिर फर्स्ट जो उन्होंने काम किया वो था, उन्होंने हमको बायोडेटा दिया. ठीक है, उन्होंने हमको दो बायोडेटा फॉर्म्स दिए, एकदम सेम, बस दो कॉपीज थे. बायोडेटा फॉर्म दिया, अभी उसको हमको फिल करना था. ठीक है, उसमें क्या था, सबसे पहले जैसे एकदम एकदम नॉर्मल आपकी जो जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशंस थी वो सब थी. तो जैसे उसमें आपका नाम था, फादर्स प्रोफेशन था, फादर्स नेम था, उसके बाद आपका लोकेशन, परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, वो सब था. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था. उसके बाद था कि उस पर एक चीज़ और थी कि आप पे कोई डिपेंडेंट है कि नहीं. तो वो वहाँ पे आप लोग को एलेबोरेट कर देंगे कि आप पे डिपेंडेंट कोई है कि नहीं, उसका इनकम क्राइटेरिया वगैरह, उसका आपके साथ रिलेशन क्या है, ये सब चीज़ें वहाँ पे वो सब मेंशन करनी थी. बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें, आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी थी. एक सिंपल सा बायोडाटा फॉर्म था, वो आपको फिलअप करना था. आधार कार्ड नंबर ये सब देकर फिलअप करना था, नॉर्मल चीज़ें. अच्छा, अब जैसे वो बायोडाटा वहाँ पे दो कॉपी पिक्चर्स और साथ में ना वहाँ पे, क्योंकि दो बायोडाटा फॉर्म था मैंने आपको पहले ही बताया, तो वहाँ पे दो आप लोगों को ईच बायोडाटा में एक एक पिक्चर पेस्ट करनी थी. अपनी पिक्चर जो आपने IBPS में फिलअप के टाइम पे दी थी वही वाली पिक्चर, और साथ में वहाँ पे अक्रॉस सिग्नेचर करना था. अच्छा, हमें ना मेल में बोला था 4 फोटोज लेके जाने को, लेकिन हमें 2 ही लगा. तब भी आप एक्स्ट्रा कैरी कर लेना क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ जाती है. जो भी है, 2 लगा, उसमें क्रॉस सिग्नेचर करना था. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बायोडाटा हो गया. तो बायोडाटा होते ही उनके पास मेल का पूरा वो था, किसका किसका कौन से नंबर पे आएगा वो आप लोग समझ जाओगे ना. जैसे आप लोग के पास मेल आएगा, अगर आप लोग को दिखता है कि किस किस के पास गया है, तो आप लोगों को वहाँ से पता चल जाएगा कि किसका किस कितने नंबर पे आएगा. तो वो एक एक करके कॉल करे थे, और उसके पहले उन लोगों ने बता दिया था कि हमें कैसे अपने डेटास को अरेंज करना है. ठीक है, हर एक का दो दो करके, जो भी हमें अपना देना था, जैसे आधार कार्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हर एक का दो दो करके कॉपी देना था, 2 कॉपीज. अभी मान लो आपके पास नहीं है, तो वहाँ पे वो लोग जेरोक्स का रखते हैं, उनके उनका ऑफिस रहता है जहाँ पे जेरोक्स कर सकते हैं. तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. ठीक है, सब बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत हेल्प करते हैं. तो वहाँ पे आप लोग आराम से जेरोक्स कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टिल रखना अपने पास थोड़ा एक्स्ट्रा. अच्छा, अब मैं बताती हूँ क्या क्या चाहिए था. फर्स्ट था एप्लीकेशन फॉर्म. एप्लीकेशन फॉर्म एक ही लगा, पर रख लेना अपने पास 2 कॉपी, पता नहीं लग जाए कि नहीं. एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, मैंने ब्लैक एंड वाइट ही लिया था. जेरोक्स आप लोग कलर भी ले सकते हो, पर मैंने ब्लैक एंड वाइट ही लिया था. अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया. फिर हाँ, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका 10th से लेकर स्टार्ट करके, 10th से लेकर स्टार्ट करके जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, 12th, ग्रेजुएशन, आपने एमएससी मास्टर्स किया है तो मास्टर्स, जो भी मतलब है आपका आपका हाईएस्ट एजुकेशन तक आपको दिखाना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं दिया था, बट अगर आप लोग हमें सर्टिफिकेट नहीं मांगा इसलिए, मेरे पास था लेकिन हमसे नहीं मांगा इसलिए मैंने नहीं दिया, लेकिन अगर आप लोग के पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट देना. अच्छा, एक और चीज़, एडमिट कार्ड ले लेना, 10th का एडमिट कार्ड ले लेना, क्योंकि
बिकॉज या फिर बर्थ प्रूफ ले लेना, बिकॉज वो लोग ना हम मुझे पता है कि जो लोग सीबीएसई के होते हैं उनके मार्कशीट में भी उनका डेट ऑफ बर्थ हो, सीबीएसई के क्यों, बहुत सारी ऐसे बोर्ड्स होते हैं जिनके मार्कशीट में उनका डेट ऑफ बर्थ होता है, बट क्योंकि वहाँ पे वो लोग एक चीज़ बोलते हैं कि स्टैंडर्ड तो एडमिट कार्ड या बर्थ प्रूफ बर्थ सर्टिफिकेट ही होता है, तो आप लोग वो देने का कोशिश करना। तो अगर आप लोग के पास एडमिट कार्ड है 10th का और आप लोग का बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसको लेके जाना, उसको कैरी करना, हाँ उसके दो कॉपीज कैरी कर लेना, बिकॉज वो लोग इसी को एज एज प्रूफ, मतलब वो लोग चाहते हैं, दे प्रेफर कि यू गिव दिस एज योर एज प्रूफ, ओके, बट इफ यू डोंट हैव इट्स ओके, गिव समथिंग एल्स विच हैव योर बर्थ डेट, ओके। अच्छा चलिए एक और चीज़, अभी ये सब हो गया, मेरे को रजिस्ट्रेशन, मेरे पास रजिस्ट्रेशन भी था जिस जिस का, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स का रजिस्ट्रेशन था, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं लगा, और सर्टिफिकेट भी था मेरे पास, लेकिन सर्टिफिकेट भी हमसे नहीं लिया, बट स्टिल आप सर्टिफिकेट कैरी कर लेना, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों से मांग रहे थे, पर मुझसे तो नहीं मांगा सर्टिफिकेट, तो आप सर्टिफिकेट अगर आपके पास है देन कैरी इट। अच्छा अभी एक और, उसके बाद आते हैं 4th पे, हमसे मांगा था अपना आधार कार्ड, तो आपको देना ही है आधार, आधार और पैन एकदम मैंडेटरी है, ठीक है, पैन और आधार मैंडेटरी है, वो देना है आपको, ये दो आपको बर्थ प्रूफ देने थे। अच्छा रेसिडेंशियल मांगा था, रेसिडेंशियल प्रूफ मांगा था, तो ये आप अपनी म्यूनिसपैलिटी से निकाल लेना, बहुत ही सिंपल सा एक होता है, वहाँ से जाना, एक पिक्चर लेके जाना और अपने आधार कार्ड का या जो भी आपका आईडी प्रूफ है उसका जेरोक्स लेके जाना और वहाँ से रेसिडेंशियल निकाल लेना, बहुत सिंपल प्रोसेस है, अपना रेसिडेंशियल प्रूफ जो है वो वहाँ से निकाल लेना। अच्छा एक और, अब आते हैं मेडिकल पे, ठीक है, जो बहुत लोगों का क्वेरी रहता है मेडिकल में, क्या था हमसे एक फॉर्म मांगा था, मतलब उन्होंने ना अपने ईमेल में एक अटैच कर दिया था, एक फॉर्म अटैच कर दिया था जिसमें कुछ करवा, मतलब एक उसमें फाइनली क्या था, यहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर का सिग्नेचर चाहिए था, उनका स्टैम्प चाहिए था, यहाँ पे ना ऐसा कुछ आपको रिपोर्ट्स नहीं देना था, जैसे ईसीजी का रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट, ये सब नहीं देना था आपको, बस वो मेडिकल ऑफिसर हर एक रिपोर्ट के अगेंस्ट में आपका लिख देंगे कि कुछ है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो सब लिख देंगे, बस ऐसा, आप लोगों से रिपोर्ट नहीं मांगा था, पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाना था, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाना था। अभी जैसे क्या क्या, मैं आपको जनरल बता देती हूँ मेडिकल में क्या क्या था, जैसे जो हम, अब देखिए ये तो बैंक टू बैंक डिफर करेगा, मेरे बैंक में क्या मांगा था, सिंपल ब्लड टेस्ट मांगा था, ब्लड में क्या था, ब्लड में सॉरी ब्लड टेस्ट नहीं मांगा था, यूरिन टेस्ट मांगा था, आई एम रियली सॉरी, यूरिन का कुछ दो रिपोर्ट्स था, ईसीजी था, इफ़ यू आर फीमेल कैंडिडेट आपका अल्ट्रासाउंड का भी शायद कुछ है, अल्ट्रासाउंड का भी, यूएसजी का है कुछ, वो सब कुछ है, बस बहुत सिंपल सिंपल, हाइट वेट ये सब, हाइट वेट ये सब का कुछ है, एकदम सिंपल सिंपल कुछ टेस्ट हैं, आप कहीं से भी करवा लेना। अभी आपको ये जो फाइनल आपका मेन चीज़ है ना, ये जो फाइनल जो आपको यहाँ पे मेडिकल आपके मेडिकल फॉर्म में जो फाइनली एक सिग्नेचर और स्टैम्प चाहिए किसी मेडिकल ऑफिसर का, ठीक है, किसी गवर्नमेंट मेडिकल, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर का, अभी वो आपको बोल सकते हैं, हो सकता है कि वो आपको बोले कि नहीं आप मेरे हॉस्पिटल से करवाओ, या फिर वो बोल सकते हैं कि आप कहीं से भी करवा के लाओ, आप मुझे फाइनली सारे रिपोर्ट्स दो, मैं यहाँ पे साइन कर दूंगा। अच्छा एक चीज़, इफ़ पॉसिबल ना एक चीज़ आप लोग नोटिस कर लेना कि यहाँ पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर है कि नहीं, जो डॉक्टर से आप करवा रहे हो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है कि नहीं, विद साइन विद स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, थोड़ा चेक कर लेना रजिस्ट्रेशन नंबर है कि नहीं, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे वहाँ पे भी कुछ थे जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, बट स्टिल इट विल बी वेरी ऑथेंटिक अगर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर हो तो, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, आई साइट भी हुआ, आई साइट का भी था यहाँ पे मेडिकल में, और साथ में ईयर्स का भी था कि ऑडियोमेट्री, आई थिंक ऑडियोमेट्री भी था, मतलब जो कोई भी ईयर का डॉक्टर लिख देंगे कि आपका ऑडियो हियरिंग सही है, ठीक है, सब ये भी था, ये कुछ एकदम बेसिक बेसिक से थे, तो आप लोग आप देख लो आपका, आपके जो ऑफिसर है, मतलब सॉरी जिस आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो वो क्या बोलते हैं आपको कि आप, आपको वहीं से करवाना है, आप कहीं से भी बस रिपोर्ट्स ला के उनको दे दो, वो फिल कर देंगे, ठीक है, वो आप देख लो। और फाइनली एक लिखना था कि ही और शी इज़ मेडिकली फिट, ऐसा कुछ था, ठीक है, ये उतना कुछ अच्छे से, मतलब वो ऐसा कुछ सीरियस नहीं है कि आप लोग का ये नॉर्मली होना पड़ेगा, इवन इफ इट्स नॉट नॉर्मल, वैसा कुछ वो देख नहीं रहे, ठीक है, बस वो लोग स्टैम्प देख रहे हैं कहाँ का है और आपने गवर्नमेंट से करवाया कि नहीं, वही देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो अभी ये मेडिकल का हो गया। अच्छा और अच्छा अब आते हैं ना कास्ट पे, कास्ट सर्टिफिकेट जो बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है हर चीज़ पे, आई मीन जनरल का तो नहीं लगेगा, जनरल का तो कुछ लगता ही नहीं। अब आते हैं पॉइंट्स पे, अब देखिए अगर आप SC, ST, OBC इन सब के कुछ हैं, EWS या एक सर्विसमैन, तो आप लोग देखेंगे IBPS के वेबसाइट पे अभी भी है, वो शायद अभी भी है, वहाँ पे ना एडवर्टाइजमेंट है,
एडवर्टाइजमेंट फॉर आरआरबी जो है, आरआरबी में है, वहाँ पे देखना फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है? वहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है ऑलमोस्ट हर एक का, इन सारे कैटेगरीज का फॉर्मेट दिया हुआ है। आई थिंक पेज नंबर 51, 52 ऐसे के अराउंड से स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है? सबका है ऐसे करके, ये फॉर्मेट वहाँ पे दिया हुआ है और वहाँ पे लिखा है कि आपको किससे साइन करवाना है, डीएम से, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से साइन करवाना है, किससे करवाना है। तो वो आप चले जाना, आपके पास टाइम होगा, वो एक दिन का प्रोसेस होता है। मतलब वो अच्छा, अगर आप लोगों को वो भी जानना है ना डिटेल्स में कि कैसे ये सब कास्ट का निकलवाते हैं, तो वो भी आप मुझे बता देना, मैं वीडियो बना दूंगी उस पर, ठीक है, डिटेल्स में। अभी मैं आपको एक नॉर्मल नॉर्मल सा प्रोसेस बता देती हूँ। जिसका भी आपको साइन चाहिए, जिसका भी यहाँ पे फाइनली उन्होंने बोला है, अच्छा ये यहाँ से आप लोग दो कॉपीज़ लेके जाना, दो से चार कॉपीज़ ये निकलवा कर, 2 to 4 कॉपीज़ आप लोग निकलवा लेना। ये जो आपका जो भी, अगर आप एससी से बिलोंग करते तो अपना एससी वाला सर्टिफिकेट निकलवा लेना, एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट निकलवा लेना। और वो सर्टिफिकेट लेकर जिससे भी मांगा है, मोस्ट प्रोबली डीएम से ही मांगेंगे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से ही मांगेंगे। तो आप लोग देख लेना कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगेगा, वो थोड़ा बहुत जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी लगेगा आपको, जो भी वो लोग मांगते हैं डीएम साइन करवाने के पहले, जैसे शायद आधार कार्ड का जेरोक्स मांगते हैं, एज प्रूफ मांगते हैं कुछ एक, किस लिए है, तो आपका आपको एडमिट कार्ड देना पड़ेगा अपना, या फिर प्रीलिम्स का या मेंस का एडमिट कार्ड देना पड़ेगा, कि कौन से जॉब के लिए आपको चाहिए था वो देना पड़ेगा। वो सब करके आप अपने डीएम से साइन करवा लेना, बस वो पेपर है वो डीएम से साइन करवा लेना, वो वाला। और अगर आपका ओरिजिनल है तो मतलब उसका कुछ वैलिडिटी होता है, अगर आपका विद इन दैट वैलिडिटी है देन इट्स ओके, वेल एंड गुड। बट अगर आपका उस वैलिडिटी में नहीं है तो आप लोग दोबारा से बना लेना, बहुत इजी, एक आध दिन का प्रोसेस शायद होता है, मतलब 2-3 दिन में लगता है शायद, कभी कभी 1 दिन में भी हो जाता है, वो आप करवा लेना वो प्रोसेस। अच्छा अभी इसका भी आप लोग जेरोक्स निकलवा लेना, हमसे तो हर चीज़ का 2 कॉपी मांगा था, आप लोग 2 से 4 कॉपी करवा के लेके जाना, टू बी ऑन द सेफर साइड। बस यही कास्ट सर्टिफिकेट मांगा था, बहुत सिंपल सा था, ये सब दे दिया हमने। अगर आप लोगों को कास्ट को लेके कोई डाउट है ना तो आप लोग मुझे बताना, मैं कोई दूसरा वीडियो बना दूंगी, दूसरे वीडियो में इसको डिटेल में कवर कर दूंगी, ठीक है? पर यहाँ पे मैंने यही बता दिया कि आप लोगों को मेन क्या काम करना है ना, आप लोग सबको, आप लोग को पता चल जाएगा जो IBPS RRB का, IBPS RRB का जो एडवर्टाइजमेंट था वो अभी भी है वहाँ पे, उसका जो नोटिफिकेशन है 1 जनवरी रिजल्ट वाले नोटिफिकेशन में अभी भी लास्ट में है एडवर्टाइजमेंट। वो एडवर्टाइजमेंट में आपको अराउंड पेज नंबर 51, आप लोग इंडेक्स में चेक कर लेना, 51 इन सब, 52 इन सब के आसपास में ये सब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, बस आपको वही फॉर्मेट निकलवाना है, प्रिंट आउट निकलवाना है और उसको साइन करवा लेना है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से साइन करवा लेना है। तो अभी आप लोग उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है वो थोड़ा जान लीजिए, आप चाहिए तो एक बार चले जाइए BDO ऑफिस और वहाँ पे जाके पता कर लीजिए कि आप लोगों को उसके लिए क्या क्या देना पड़ेगा, ठीक है? पिक्चर्स शायद होंगी, आप वहाँ पे पिक्चर्स लगती हैं, वो पिक्चर्स कर लेना। अच्छा अब आते हैं, हाँ ये सब हो गया, बस यही सब का 2-2 करके कॉपी देना था, ये सब हो गया, सिंपल सा प्रोसेस था। अब आते हैं, अगर जिनका LPT होता है उनके लिए बताते हैं, ठीक है? अगर आप लोग का LPT है तो LPT पे आते हैं, चले ये सब प्रोसेस हो गया। अब अगर आपका LPT है तो मैं बता देती हूँ आपके LPT के लिए, वो लोग क्या करेंगे, आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे, देखेंगे कि आपने कभी स्कूल में LPT आपका जो लोकल लैंग्वेज है वो पढ़ा है कि नहीं, ठीक है, या फिर आप दूसरे स्टेट से हैं कि नहीं। तो जैसे जो लोग अभी, उन सबका LPT होगा, घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही कम पढ़ने को देते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, 5 से 7 वर्ड्स उन्होंने पढ़ने को दिया न्यूज़पेपर से, 5 से 7 वर्ड्स, एंड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप लोग को बहुत फ्लुएंटली पढ़ना है, बहुत अरब, मतलब वहाँ पे लोग ना बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे थे, ठीक है, तब भी वो लोग ओके कर दे रहे थे, बस आप लोग किसी तरह से गलत नहीं पढ़ना बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सही पढ़ लो, और ऐसा कोई स्पीड का कुछ नहीं है, ठीक है? 5 to 7 वर्ड्स पढ़ने को देंगे, इतना ही है आपका। अब देख लेना, आपको पता होगा ना आपके स्टेट का लोकल लैंग्वेज क्या है, जहाँ से आपने अप्लाई किया उसका लोकल लैंग्वेज क्या है, वो आपको पढ़ना है, 5 से 7 वर्ड्स हैं बस, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। बस एक एडवाइस देते हैं, अगर आपका ओके हो जाता है तो, प्रोवाइडेड आपका ओके होता हो जाता है, अब आता है कि आपका ओके नहीं होता तो, अगर आप 5 से 7 वर्ड्स पढ़ लेते हैं तो बस आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, थोड़ा सा ना लिखने का प्रैक्टिस कर देना। हमारे में तो लिखने को नहीं दिया, हमको सिर्फ न्यूज़पेपर पकड़ा दिया था और 5 से 7 वर्ड्स बोल मतलब पढ़ने को दिया था, ठीक है, लोकल लैंग्वेज पढ़ना था। अभी अगर आप एकदम बहुत ही गंदे तरीके से भी, बिल्कुल फ्लुएंटली नहीं पढ़ पा रहे और थोड़ा बहुत गलत भी पढ़ रहे हो, देन भी आप लोगों को ओके कर देंगे। पर अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हो, आप स्टार्टिंग में बोल देंगे कि सॉरी सर मैम, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊंगा या पाऊंगी, देन फिर तो वो आप लोगों को क्या बोलेंगे कि ठीक है, वो भी बहुत बहुत ही हेल्पफुल थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, कुछ ऐसा नहीं है, वो आपको बोल रहे हैं कि
इट्स ओके, कुछ भी सीखने से, ट्राई करने से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता. आप लोग के पास 6 मंथ्स हैं, फॉर 6 मंथ्स यू विल बी ऑन प्रोबेशन पीरियड. आप लोग प्लीज 6 मंथ्स में ट्राई कर लीजिए, ठीक है. फिर आप लोग को समझाते हैं वो कि क्यों LPT इम्पॉर्टेंट है, क्यों आप लोग का आपका लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है. तो ऐसे 6 मंथ्स का वो लोग, फिर कुछ नहीं होता, बस वो लोग एक पेपर में नोट कर लेते हैं कि इसका नहीं हुआ इसका, और फिर वो लोग टाइम देते हैं. वो लोग कहते हैं आफ्टर 6 मंथ्स यू हैव टू बी रेडी फॉर LPT, ठीक है. अच्छा, वो लोग बस यहाँ पे एक चीज़ एडवाइस देते हैं सबको LPT, इवन इफ़ यू क्वालिफाई और डोंट क्वालिफाई, वो एक चीज़ बोलते हैं कि नंबर्स को फेमिलियर कर लेना. नंबर्स के साथ आपकी फेमिलियरिटी होनी चाहिए, बिकॉज आप बैंक में हो, कुछ भी फाइनेंशियली नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर कुछ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाता है नंबर्स को लेके, तो फिर आपके पॉकेट से ही पैसा जाएगा, आपका ही बहुत ज़्यादा लॉस होगा, आपका रेस्पेक्ट भी जाएगा, प्लस फाइनेंशियल लॉस भी होगा. तो वो बस बोलते हैं कि नंबर्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है तो नंबर्स थोड़ा सीख लेना, 0 से लेके 9 तक नंबर्स थोड़ा सा देख लेना, है ना. तो पर मुझसे नहीं पूछ, मतलब हमसे नहीं पूछा था, हमारे वहाँ पे किसी से भी नहीं पूछा नंबर्स, बट आप देख लेना, अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा देख लेना नंबर्स, है ना, क्योंकि सीखना तो है, अगर काम करना है तो सीखना तो पड़ेगा अल्टीमेटली. तो थोड़ा देख लेना नंबर्स अगर हो जाता है तो. अच्छा, ऐसे करके ना अभी ये हमारा ये जो प्रोसेस है ना, ये पर पर्सन को शायद 10 to 15 मिनट्स भी नहीं लगता. अच्छा, आई एम रियली सॉरी, मैं उसके पहले एक प्रोसेस बताना भूल गई. ये होने के पहले ना हमारा बायोमेट्रिक होता है, ठीक है. बायोमेट्रिक होता है जहाँ पे फिंगरप्रिंट लेते हैं, जस्ट फिंगरप्रिंट लेते हैं, जैसे जब मेंस देने जाते थे तो जैसे होता था ना, फिंगरप्रिंट लेते थे डिजिटली, बस वो फिंगरप्रिंट लेते हैं. अगर नहीं भी मैच करता है देन वो लोग KYC से करवा लेते हैं, आपके आधार कार्ड से, पैन कार्ड से करवा देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और यूजली मैच हो जाता है, बट नहीं होता है तो KYC से करवा लेते हैं. बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक के बाद ये लोग ये बायोडाटा लेते हैं. मतलब फर्स्ट काम है आपको अपना बायोडाटा फिल करना है, बायोडाटा फिल करने के बाद आपका बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक के बाद वो लोग ये इन्फॉर्मेशन लेंगे, मतलब आपका ये जेरोक्स वगैरह लेंगे. ओरिजिनल में कुछ भी नहीं लेते, सब जेरोक्स लेते हैं, बस आपका ओरिजिनल से अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से ओरिजिनल को और जेरोक्स को अच्छे से मिला मिला कर देख लेंगे कि सब इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं. अच्छा, अभी ये हो गया. ये होने के बाद आपका ये ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट का प्रोसेस है, इसके बाद आप बैठ जाते हो. अभी उसके बाद आपके पास कुछ नहीं है करने को, आप बैठे हुए आराम से, ठीक है. फिर सबका होगा, अराउंड हो जाता है सबका ये. उसके बाद क्या होता है, जैसे हमारे साथ क्या हुआ था, जो चेयरमैन सर थे उन्होंने आके हमसे बात किया 30 मिनट्स के अराउंड, बहुत अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेट किया, बोला कि यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, ऐसे 1 in lakhs को मिलता है, ऐसे बहुत अच्छे से बोला, प्राउड मतलब बहुत अच्छे से बोला कि कितना सैलरी होगा, आप लोगों को पढ़ना है, सब यही बोल रहे थे कि आप लोगों को अभी पढ़ाई नहीं छोड़ना है, पढ़ते रहना है, एग्ज़ाम्स देते रहना है इंटरनल. वो सर आके भी बात करते हैं. फिर बीच में आप लोगों को कुछ मतलब रिफ्रेशमेंट्स प्रोवाइड होते रहेगा, जैसे चाय, कॉफ़ी, बिस्किट्स वगैरह. उसके बाद लंच प्रोवाइड होगा, तो उन सब का टेंशन नहीं है, पानी वानी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उन सब का. मतलब बीच में आपका ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में जब आपका ये प्रोसेस हो गया ना 10-15 मिनट्स का, उसके बाद बस आप फ्री ही हो, आप बैठे हुए हो अभी, ठीक है. इसके तो बीच बीच में ये सब होगा. फिर चेयरमैन सर अगर आए तो, अगर जो भी वहाँ के हेड हैं वो अगर बात करें तो बात करें, ठीक है. उसके बाद ना आपको ऑफर लेटर पकड़ाएंगे, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं, इट्स जस्ट ऑफर लेटर, ठीक है, जहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं, जनरल वाले टर्म्स एंड कंडीशंस, कि इस टाइम पे आप कुछ गलत नहीं कर सकते, ये सब अगर कुछ पता चला तो आप प्रोबेशन में रहोगे, ऐसा वहाँ पे आपका बेसिक पे लिखा रहता है. ये सब जनरल वाली चीज़ें लिखी रहती हैं कि क्या बेसिक पे वगैरह होगा, ये सब लिखा रहेगा. अच्छा, उसके बाद आपको ऑफर लेटर में आपको एक कॉपी वो लोग रख लेंगे ऑफर लेटर का, एक कॉपी आपको रखना है, वहाँ पे आपको साइन करना है, साइन, डेट, प्लेस, ये सब लिखना होता है बस. उसके बाद ख़त्म. ये प्रोसेस ऑलमोस्ट 10 से 4 का होता है, ठीक है, 4 बजे तक ख़त्म हो जाता है, शाम के 4 बजे तक ख़त्म हो जाता है प्रोसेस. 10 AM to 4 PM का प्रोसेस है, ऑलमोस्ट तब तक ख़त्म हो जाता है. उसके बाद बस ये प्रोसेस ख़त्म. फिर अभी वेटिंग है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, बस इतना ही प्रोसेस है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं. अच्छा, एक और चीज़, आपको जब मेल आएगा ना, वहाँ पे HRD का नंबर लिखा होगा, ठीक है, जो आपके HR टीम होगा ना, उनका नंबर होगा, वो लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं. आप लोग को कोई भी डाउट होता है ना, आप उन लोगों को कॉन्टैक्ट कर लेना. आप लोगों को और भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो कमेंट्स में, क्योंकि मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ, अगर मेरा वो डाउट मतलब प्रॉब्लम नहीं भी होगा ना, देन ऑल्सो आई ट्राई टू सॉल्व इट. तो आई होप मैंने हर एक पॉइंट को कवर कर दिया है, पर अगर किसी पॉइंट को नहीं कवर किया देन बता देना, मैं कवर कर दूंगी उसको. अच्छा, एक चीज़ और, ड्रेस का क्या होता है ना, कोई ऐसे रूल तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन होता है, तो थोड़ा फर्स्ट इंप्रेशन तो थोड़ा बहुत वहाँ पे मोस्टली सब फॉर्मल्स में ही आते हैं, लेट दैट बी मेल और फीमेल, सब फॉर्मल्स में ही आते हैं.
फॉर्मल ड्रेसेस में ही आते हैं, तो अगर इफ इट्स पॉसिबल तो फॉर्मल में चले जाना, वरना ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको कोई ड्रेसिंग करना होता है, लेकिन सभी फॉर्मल्स में होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो बस यही था, मैंने आई थिंक मैंने हर पॉइंट कवर कर लिया है। हाँ, आई थिंक मैंने हर पॉइंट कवर कर लिया, बस वो मोटा मोटा चीज़ ही होता है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, ये जो ऑफर लेटर होता है ना, ये ऑफर लेटर जो आप लोगों को मिला ना, ऑफर वाला लेटर, यहाँ पे ना बॉन्ड भी होता है हमसे। जैसे 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स में अगर के पहले अगर आपने छोड़ दिया तो आपको 1 लाख देना पड़ेगा। ये बॉन्ड अमाउंट भी वही वो ऑफर लेटर का, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, यहाँ पे भी आप साइन करते हो। ठीक है, ये एक ऑफर लेटर का मैं बताना भूल गई थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलें जी, आई होप मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज़ कंसिडर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, एंड बेस्ट ऑफ लक, आई होप सबका बहुत अच्छा जाए।